मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 और पाठ हमारा है 16 स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंदर हमने पढ़ रखा था पंचायत राज के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण प्रशासन, यानी पंचायत राज में अध्ययन किया था और उसके बाद में ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन का हमारा उसका पॉइंट है हमारे पास ग्राम पंचायत के आय के साधन, यानी ग्राम पंचायत है उसके आय के साधन कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत के कार्य, यानी ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है उसके बारे में। और उसके बाद में आता है ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या क्या होना है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है ग्राम पंचायत के आय के साधन कौन कौन से हैं, जैसे हमारे हैं पानी कर है, सफाई कर है, संपत्ति कर है और दुकान कर। ये क्या है, यह हमारे ग्राम पंचायत के आय के साधन। और दूसरा हमारा है राज्य सरकार होता है और केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उसके प्राप्त, यानी कि उसका अनुदान, कुछ अनुदान मिलता है तो वो उसका ग्राम पंचायत के यानी राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा हमें अनुदान प्राप्त होता है। और उसके बाद में हमारे जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि हमारे पास इसके पॉइंट 2 हैं जो हम मैंने बताया, पानी का कर है, सफाई का कर है, तो ये हमारे कितना आता है आज जो हमारे ग्राम पंचायत है उसके आय के साधन उसमें आता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट हमारा है कार्य, यानी कि कार्य जो ग्राम पंचायत है वो ग्रामीण प्रशासन है वो कौन कौन से कार्य करती है। घर के नंबर देना, यानी कि हमारे जैसे नंबर होता है 420 होता है 425 होता है, तो वो क्या है हमारे ग्रामीण जो ग्राम के अंदर जो ग्राम पंचायत है तो वो हमारे घरों के नंबर देती है। गृह उपयोगी पीने का पानी की व्यवस्था करना, जो घर के लिए हम पीने का पानी का उपयोग में लेते हैं तो उनकी व्यवस्था कौन करती है, हमारे ग्राम पंचायत करती है। गांव में सड़कें हमारे बनाना, ये भी किसका काम है, हमारे ग्राम पंचायत का। जो हमारे घर के सामने अगर सड़क टूट गई है तो उनको बनाना तो ये ग्राम पंचायत का कार्य है। उसके बाद में हमारे आता है गांव मार्ग की सफाई, जैसे हमारे नगर पालिका होती है शहरों के अंदर तो वो सफाई कब करती है, गांव के अंदर क्या सफाई करना, जो अभी लगवाया था स्वच्छता अभियान वैसे गांव में सफाई करवाना। और गंदे पानी का, जो हमारा गंदा पानी है तो अगर बाहर निकला है तो उसे यानी उसको भी निकास, यानी कि उनका बाहर निकाला गंदे पानी को उनको इससे बाहर होना। उसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल, जो हमारे ग्राम पंचायत में जितनी भी संपत्ति होती है उसे वगैरह लोग लेने का तो उसकी उनकी संपत्ति का उनका क्या होती है देखभाल होती है, किसका कार्य है ये ग्राम पंचायत का। उसके बाद में हमारा आता है गाँव स्वास्थ्य विशेष देखरेख करना, जो गाँव की कोई भी समस्या है उसकी हमें यानी जो ग्राम पंचायत है उसकी वो क्या करती है उसका देखरेख करती है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है गांव में रोशनी, जो हमारे किसी भी लाइट की व्यवस्था का हो तो ये कौन कौन काम करता है, यह भी हमारे क्या करती है ग्राम पंचायत इसका कार्य करती है। गांव में प्राथमिक सहित शिक्षा सुविधा, जो हमारे गांव के अंदर अगर शिक्षा की सुविधा नहीं है तो ये इसका कार्य है, ग्राम पंचायत का हमारे उनका कार्य है जागृति फैलाना और शिक्षा से उन्नति। ग्राम विकास का आयोजन करना, ग्राम की विकास होता है तो उनका गांव के खेतों की फसलों की देखभाल, जो हमारे गांव की फसलें जो गांव के खेतों की फसलें होती है तो उनकी देखरेख में गोचर, जो गोचर की देखरेख करना, जो गोचर की जगह होती है उसकी देख गोचर गायों का होता है तो उसकी देखरेख करना। जमीन के दस्तावेज की देखरेख करना, उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है जन्म मरण, जो जन्म मरण का है वो रिकॉर्ड किसके पास रखना, ये किसका काम है ग्राम पंचायत, यानी इसका इसके पास सभी का रिकॉर्ड रहता है, जो जन्म है कितने जन्म हुआ है कितनी मृत्यु हुई है कितनी
यह हमारे ग्राम पंचायत, ये सब इनके क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य। अगला पॉइंट आता है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या कार्य करती है? ग्राम सभा यानी ग्राम सभा का हम सामान्य अर्थ है इसका गांव में प्रयोग, जो गांव है उनके लोगों को इकट्ठा करना। जैसे ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम सभा होती है, एक आदमी बुलाता है तो उसमें क्या होते हैं, सभी आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। धन्यवाद।